नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने स्थित मुसाफिर खाने के ऊपर गृहकर एवं जलकर का 33 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया होने के चलते नगर निगम की टीम द्वारा उसे सील कर दिया गया। मुसाफिर खाने की सील होते ही इसके कर्ता धर्ताओं में हड़कंप मच गया है। नगर निगम संपत्ति कर विभाग का कहना है कि लंबे समय से मुसाफिर खाने के बकाए को लेकर इसके स्वामियों को सूचना दी जा रही थी। कई बार नोटिस भी इशू किए गए, किंतु मुसाफिर खाने के कर्ता धर्ताओं द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसके चलते सीलिंग की कार्रवाई की गई है। यातायात माह नवंबर 2023 का समापन पंचायत भवन सभागार में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अफसरों एवं यातायात कर्मियों सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को सुरक्षित सफर के लिए नियमों के पालन करने की सीख दी। पुलिस महानिरीक्षक मुनिराज जी ने छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों से अपील की कि वह सभी अपने सुरक्षित जीवन के लिए सफर के दौरान यातायात नियमों का अनुपालन जरूर करें। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जनपद मुरादाबाद का जो पिछले एक महीने में जो चल रहा था यातायात माह का अभियान का, उसका आज समर्पण का मीटिंग हुआ। उस पर कई स्कूल से बच्चे आए थे और सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे एक महीना जो SSP मुरादाबाद और उनके टीम SP ट्रैफिक के नेतृत्व में लगातार इन्होंने यातायात माह का कई कार्यक्रम करवाया। इन्होंने लगभग 22,000 चालान कई सभी व्हीकल को मिला के उन्होंने करवा दिया। उसके अलावा लगभग 150 स्कूल का उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस के लिए जो कार्यक्रम कराए, उन्होंने जाके वहाँ पे बच्चे का सभी स्टाफों का जागरूकता कराया यातायात के बारे में। और कम से कम 250 नुक्कड़ सभा उन्होंने कई सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने करवाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा निर्वाचक द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम में बताया गया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जो छात्र छात्राएं 18 से 19 वर्ष आयु 5 जनवरी 2024 तक पूर्ण कर रहे हैं, वह मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई स्वीप कार्यक्रम से संबंधित आर्ट गैलरी का अवलोकन किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग में महिला कर्मचारी के साथ ऑफिस में बैड टच और छेड़खानी के मामले में DM मानवेंद्र सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव मामले की जांच करेंगी। उन्होंने दोनों पक्षों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी कार्यालय में तैनाती के बाद से ही स्कूल का हेडमास्टर उस पर बुरी नजर रखता था, उसे मनचाहा काम करने के लिए प्रेशर करता था और इनकार करने पर तरह तरह से परेशान करता था। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा आज गुरुवार को अवैध निर्माणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना मझोला के अंतर्गत ग्राम सुनकपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निकट संजीव गौड़ आदि द्वारा लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त किया गया। ग्राम सुनकपुर में ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निकट रमेश कुमार आदि द्वारा लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। कार्यवाही में प्राधिकरण के प्रवर्तन टीम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ साथ थाना मझोला का भारी पुलिस बल उपस्थित रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी ललित कौशिक गैंग के सदस्य व गैंगस्टर के अभियुक्त कमलवीर सिंह व उसकी पत्नी खुशबू सिरोही की आपराधिक कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी व कार को गुरुवार को पुलिस ने कुर्क कर लिया। प्रकाश एनक्लेव कांठ रोड पर प्लॉट नंबर 86 पर बना 268 वर्ग मीटर जगह व प्लॉट नंबर 87 पर बना 267.50 वर्ग मीटर पर बना 2 मंजिला मकान व कमलवीर के नाम एक i10 कार, रजिस्ट्रेशन संख्या UP21AL0020, जिनकी कुल कीमत 2,14,62,929 रुपए को पुलिस ने कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट CO सिविल लाइन्स अर्पित कपूर व इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर गैस के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन स्थानीय अधिकारियों को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि भाजपा उत्तर प्रदेश समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी तत्काल अपने घोषणा पत्र को लागू करते हुए घरेलू गैस के दामों को कम करे, नहीं तो यही समझा जाएगा कि यह भाजपा का एक चुनावी जुमला भर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के आह्वान पर जिला महानगर कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों पर है। हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि अभी पूर्व में चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर इन्होंने झूठे वादे किए, जुमलेबाजी की बात की है कि इन्होंने हम 450 का सिलेंडर देंगे। जब मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं दिया सिलेंडर? अभी 5 साल से ये सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं दिया सिलेंडर? तो
तो पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों पर ये निर्देश हुए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ये 450 रुपये का सिलेंडर हमें भी दिया जाए, उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। जब केंद्र में उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार है, यहाँ मौजूद है केंद्र में उत्तर प्रदेश में, तो क्या परेशानी है इनको 450 का सिलेंडर करने की? तो इसके इस संबंध में हमने आज ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया और जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये ज्ञापन दिया गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इसके माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूफी अंबा प्रसाद के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांग की। संगठन के महासचिव मोहम्मद तंजीम शास्त्री एडवोकेट ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान क्षेत्र के गरीब बच्चों के खेलने का मैदान है, जिसे बिना जरूरत छोटा कराया जा रहा है। अगर यह स्टेडियम बना दिया जाएगा तो गरीब बच्चों को अपना कौशल निखारने का मौका मिलेगा। इस दौरान तारिक अनवर, चौधरी अब्दुल समद, जुबैर अली, मुजाहिद पठान, साहिल शमसी आदि मौजूद रहे। मझोला थाना क्षेत्र में चोर चोरी की घटनाओं को बेखौफ अंदाज में लगातार अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार को इसी थाना क्षेत्र के प्रीत विहार में मोहित जैन के मकान में चोरों ने 5 लाख की बड़ी चोरी को अंजाम दिया। हालांकि 2 युवकों को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। वहीं इस दिन एक अन्य घटना में काशीराम नगर में राहुल जैन के मकान में भी चोर घुस गए। पड़ोसी द्वारा यहां पर भी 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं से इस थाना क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल है। 28 तारीख की रात अपने घर था दूसरे मकान मूला पांडे पर, रात के 2:30 या 3 बजे का सीन था। 29 तारीख की सुबह 2:30-3 बजे का मेरे पास मेरे घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए और 2 या 3 चोर सुनने में आया, जिसमें 2 चोर पकड़े गए हैं। और वो चोर मेन गेट से एंट्री करके उन्होंने मेरा ये मेन गेट का जो जिसमें ताला लगता है वो कुंदा तोड़ा और वो अंदर घुसे। और वो दो मेरे जो नीचे वाले पोर्शन में मेरा सारा सामान रहता है, नकदी भी थी, कैश भी, और मेरे मैडम के कुछ गहने वहने जो भी थे। जब तक वो मेन गेट से एंट्री करते तभी आसपास के पड़ोसी की आँख खुली और उन्होंने उनको बिल्कुल अपनी दिमाग लगाकर एक संगठन बनाकर मौके पर रंगे हाथ पकड़ लिया। एडीजी पीसी मीणा के आदेश पर थाना मुंडा पांडे में 3 नामजद व 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना कटघर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की गर्भवती बीवी से सामूहिक बलात्कार एवं जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। FIR में पति ने आरोप लगाया है कि 25 अक्टूबर की शाम को गांव वीरपुर बरियार के सुनसान रास्ते पर फैजान शाकिर और नफीस व 3 अन्य लोगों ने उसकी गर्भवती बीवी के साथ गैंगरेप की घटना को समय अंजाम दिया, जब वे अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल से दवा खिलाकर घर वापस लौट रहा था। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।